कैसे हैं आप? आज दूसरा रोज़ा है और मैंने कहा चलें आज चांपे बनाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मियाँ भी खुश हो जाएंगे। तो ये 1.5 किलो चांपे हैं और ये मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिए। अब मैं इसको जस्ट नमक डाल करना, तो आधे घंटे के लिए। मैं कुकर बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मैं अगेन बता रही हूँ यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी चीज़ गला देता है। तो ये अपने ही पानी में मोस्टली गल जाए ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैं बस थोड़ा सा ना एक चम्मच कह लें आप, और ये मैं दालचीनी ज़रूर डालूंगी ताकि ना इससे ये होगा कि जो गोश्त की ज़रा सी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है उसमें। अब मैं जस्ट आधा ग्लास पानी डालकर तो ये मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी, ठीक है? अब मैं और मैंने ये साथ ही ना, क्योंकि मैं ये चांपे रोस्ट करनी है मैंने, तो ये मैंने अभी से ये बना के रख लिया आधा घंटा पहले ही। इसमें नमक, लाल मिर्च और बस कुटी कुटी कुटा धनिया, जीरा, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी डाल के ना, तो बस ये मैंने मिक्सचर बना लिया जो कि ये मज़ा आएगा, ठीक है? अब मैं आपसे मिलती हूँ राइट आधे घंटे बाद। बॉयल कर ली है, इसमें मैंने आपके सामने सिर्फ दालचीनी डाली थी और नमक डाला था, तो ये बॉयल होके अभी आ गई है। बिल्कुल A to Z इसमें मतलब पानी गया है, रचा बस गया है। अच्छा, अब ये मैंने आपके सामने ही नमक, मिर्च और हल्दी भी थोड़ी सी डाली थी ताकि ना ये इसका कलर भी अच्छा आएगा, और इसमें धनिया और मैंने ज़ीरा भी डाला था, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि ये 1.5 मैंने KG आपको शायद बताया था कि 1.5 KG ये मैंने ये चांपे लिए हैं, ठीक है? चलो चलो, ये मैंने अब इसके अंदर से एडिट किया, और ये मस्टर्ड ऑयल ही है जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जस्ट ये पकी हुई है इसलिए फुल तेज़ आंच है, और दूसरे डाल ये बहुत अच्छी तरह नरम नरम गली हुई है, तो कोशिश यही करें कि ये अच्छी तरह, जितनी अच्छी गली होंगी। लोग नमक, इसमें लहसुन अदरक भी डाल लेते हैं, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन मैंने सिर्फ दालचीनी डाली क्योंकि मुझे उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। इससे गोश्त की स्मेल भी मर जाती है और वो सिनेमन वैसे भी बड़ी अच्छी है। ये निकाल दी है, थोड़ी सी और रह गई है, तो ये इसको अच्छी तरह करके तो फ्राई कर रही हूँ मैं। टू इजी। क्या करें, तो बस कुछ ना कुछ जो बच्चे कहते जाते हैं, आज ये बना दें आज ये बना दें, सब उनकी फरमाइश पूरी होने के बाद खुश हो जाते हैं। ये मैंने फिंगर चिप्स, 3 पोटैटो चिप्स काट ली हैं, तो अब मैं ये जो मैं चांपे बना रही थी अब इसी में मैं डाल दूँगी, और बल्कि यही वाला इसमें डाल लेते हैं ताकि फिर ना सारे पोटैटोज जो हैं इससे मिक्सअप करके, तो ये बना लेती हूँ मैं, इसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे पोटैटोज। बताएं, मैं आपके सामने चेंज कर रही हूँ, देख लें ये साथ साथ लगी हुई है। मेक श्योर कि थोड़ा सा जो आप ये बना रहे हैं ना बैटर, ये जो बेसन का थोड़ा सा थिक हो, ये बिल्कुल पानी ना हो, और ये ठंडी हो चांपे जब आप इस पे लगा रहे हो, ठीक है? तो ये फिर, और इसके अंदर नमक रचा बसा हुआ है, यकीन करें। वाओ, लुक एट दिस, टू कूल, लवली, सुपर। ओके, अब ये मैं निकाल रही हूँ, फिर मैं आपके सामने डिश आउट करके ना तो करती हूँ। कमाल है, कमाल और जमाल दोनों बहुत जबरदस्त। सॉरी सॉरी, टू हॉट, लुक टू ब्यूटीफुल व्हेन यू ईट, टू टेस्टी एंड टू डिलीशियस। ये देखें, ये मैं थोड़े से चिप्स जो है ना जो थे उनको मैं डाल दूंगी ताकि वो भी साथ ही फ्राई हो जाए। चलो जी,